हाँ भैया, आप क्या करते हैं? गुरुजी मैं पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रहा हूँ दिल्ली में। अच्छा। मैं पूरा नास्तिक रहा हूँ, 60 साल तक ना भगवान के मंदिर गया, ना कोई पूजा पाठ की, ना मैं मानता था। यहाँ देख क्या मानने लगे हम? जब से आपका यूट्यूब पे मैंने देखा, मुझे 2 महीने तो समझ नहीं आया कि सत्य भी है कि नहीं है। वाह, जय हो। लेकिन दरबार में जब आके देखा, मैं यहाँ पे 22 जून को एक बार आया था, जब इलेक्शन था यहाँ पे भाई का, मैं वापस चला गया, लेकिन आपके दर्शन करके मैं गया। मैंने एक संकल्प लिया था, मेरा संकल्प आपने बगैर मिले पूरा कर दिया। वाह, जय हो। और मैं जय हो, तब से मैं इतना आस्तिक हो गया हूँ कि मैं शिव का व्रत रखा, शिव मंदिर गया, और मैं पहली बार जिंदगी में इतना गहरा आस्तिक हुआ हूँ, और मुझे इतनी समझ आई आपके इस चैनल से, इस माध्यम से, यूट्यूब से जी, कि मैं कहता हूँ कि भगवान ऐसा दरबार मैंने तो आज तक कभी संसार में कहीं देखा नहीं। चलिए, अब आपने प्रश्न सुनाई, सब लोग सुन रहे हैं, क्या कुछ प्रश्न बोलना चाहेंगे? सब लोग सुनना चाहते हैं, हम भी सुन रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही है, और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप बोलेंगे और पर्चा पर जब एक सा निकलेगा तो दुनिया खुश हो जाएगी। मेरी मिसिज का गुरुदेव सर एक राइट कान से सुनता नहीं है जी, उनको ब्रेन ट्यूमर है था पहले। वाह, मीनू को ठीक हो गया? नहीं, मेरी मिसिज को, दर्शना को, दर्शना देवी को, ठीक है। तो अब आपके बच्चे के बहू का नाम मीनू है? हाँ, उनका नाम मीनू है, बेटे का, डॉक्टर की मिसिज है वो, मालूम मुझे। तो वो एक तो ये समस्या है, दूसरा परिवार पूरा खंडित हो गया है, 3 बेटे हैं, तीनों अलग अलग हो गए, मुझे भी जेल जाना पड़ा। अच्छा, क्यों? जी, एक मुखबर था मेरा, उसके चक्कर में आके, मुखबर, हाँ, एक इन्फॉर्मर था, उसने मुझे इसमें इन्वॉल्व कर दिया झूठा करके। अच्छा। तो इसलिए मेरे ऊपर ऐसी समस्या आई गुरुदेव, कि मैंने जिंदगी में ऐसे कोई कर्म नहीं किए, सेवा की है समाज की, देश की, कानून से जी, और अच्छे तरीके से पुलिस की नौकरी की थी जी, लेकिन यहाँ आकर के मेरा सारी इज्जत, पैसा और परिवार, प्रॉपर्टी, मेरा सब कुछ बिखर गया आगे जी। भैया, आप मैंने क्या लिखा सुनिए, आपको हिंदी तो आती ही है, तो आप इतने बड़े अधिकारी हैं जी, और निश्चित है कि आप पूरे देश दुनिया में रहे। सुंदर लाल जी, आप संपूर्ण परिवार से परेशान हैं, बालक का नाम आदेश कुमार है, क्या नाम भाई? हाँ, डॉक्टर आदेश कुमार जी, डॉक्टर ये लिखा जी, जी। उसकी स्त्री का नाम मीनू है जी, इसकी माँ का नाम दर्शना देवी है जी, आदेश की जी, और धन नष्ट, तंत्र बाधा के कारण कीलक बर्बाद हो गए हैं और जेल भी जाना पड़ा जी, ये लिखा जी जी, यदि पढ़ पा रहे होंगे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जेल जाना पड़ा, परिवार खंडित हो गया है, यानी कि बट गया है, खंडित माने बट, आपने कहा परिवार टूट गया है, हमने लिखा परिवार खंडित हो गया है। सो 2023 से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। साथ ही पत्नी के कान की पर्दे में छेद हो गया है, माइनर छेद है, और उसमें फफूंदी लग गई है, जिसके कारण से आपकी पत्नी को धमक रहती है, नाना प्रकार की तरंगे कान में आती हैं, नाना प्रकार की आवाजें बनती हैं। सो हनुमान जी की कृपा से पत्नी के कान ठीक होंगे, आशीर्वाद है। होता है सर, मेरा ग्रैंडसन, उसका हाइट नहीं बढ़ता है, बच्चे की हाइट के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, हाइट तो बढ़ानी पड़ती है, अच्छा खाओगे, अच्छे रहोगे, ठीक हो जाए, अच्छे तरीके से खेल कूद खेलेंगे तो बड़े लंबे होंगे, और परे परे खाएंगे, मैदा खाओगे, तंदूरी खाओगे, छोले भटूरे खाओगे, तो लंबे कहाँ से होगे, फिर बाद में रोना कि हमारा मोड़ा काय को छोटो है, तो तुमने खूब तंदूरी खवाई, अरे हमें पता है, आओ जाओ हनुमान जी कृपा करें, फूटो हनुमान जी कृपा करें, बोलो परम पूजपा सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, मेरे पूजपा सदगुरु भगवान आप पे कृपा करेंगे, सदबुद्धि रखिए। कहाँ से आ भैया? अलीगढ़ से, यूपी से। क्या समस्या विषय लेके आए? मेरी पत्नी के कोई बच्चा नहीं है। तुम्हारी पत्नी के बच्चा नहीं है? बाप बड़े सुधर के बोल रहे हो, किस कितने दिन से आए यार? करीब 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? प्रियंका। प्रिया, कहाँ पे रहते हो आप? डोरी नगर, अलीगढ़। आपके घर में अभी बेटी है? बेटी, हाँ बेटी तो है, कई है। क्या बेटी है? बहन है हमारी, 5 बहन है। आपकी लड़कियाँ? मेरी लड़की का काम का है, का आपका सुनार की दुकान है। सुनार का काम क्या करते हैं साथ में?
किस्त का काम है, हमने लिखा सुने आपके ऊपर धारा 411 चौकी किली हुई है, आपके ऊपर एक धारा 411 का एक प्रकरण दर्ज है जी, वो उसमें आपने चोरी का माल क्रय किया था जी, जिसके कारण से कहीं हत्या हुई थी जी, उसका प्रकरण 302 के अंतर्गत था जिसमें कालू और मोहित आदि के द्वारा हत्या की गई थी जी, उसमें आप बाल बाल बचे, अब ऐसी गलती मत करना, घर में सुख शांति होगी जी, आपकी महिला के पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, वो आप दो संतानों का योग मिलेगा, और अपराधियों ने एक बेटी और एक माता की हत्या की थी जी, उसी का आपने माल क्रय किया था, हनुमान जी कृपा से सत्य का न्याय होगा, आपको जीत मिलेगी, आपकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी, और क्षतिपूर्ति जो आपकी हुई है गलत तरीके से आपको पुलिस ने प्रताड़ित किया या परेशान किया है उससे लोक मर्यादा तुम्हारी गई है वो आपकी इज्जत बन जाएगी। पंडो कर सकर पांच अमोसा करो, हनुमान जी कृपा से पूर्ण गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है, और घर में पुत्र होगा, आशीर्वाद। हाँ भैया, कहाँ से आए? दबोच से महाराज। दबोच से आए? हाँ। क्या समस्या लेके आए? छोटे भैया की जानकारी करने परसों से आया है सर। का नाम है उसको? निखिल कौरव। निखिल कौरव। निखिल कौरव, तुम्हारा नाम का है? अंचल कौरव। सही नाम का है बाको? बाको सही नाम निखिल ही है महाराज। कद तो छोटू है? नहीं नहीं, निखिल ही कहते। निखिल ही कहते। निखिल पक्का? पक्का। छोटू नहीं कर? नहीं। यहाँ चलो कोई बात नहीं, हमने तो जय लिखो, छोटू लापता है, सही नाम निखिल है, साक्षी को लेकर भग गए है। हाँ। नहीं पढ़ लो नाम, झूठ नहीं बोला हमने अपनी जिंदगी में, झूठ नहीं बोलो, और लिखा है तो ठोक के लिखा है, और कह रहा हूं तो ठोक के कह रहा हूं, चाहे वो घर की बात हो, चाहे बाहर की हो, दिल्ली की बात हो, चाहे बंबई की। आपका बच्चा छोटू यानी कि भाई छोटू लापता है, सही नाम निखिल है, साक्षी के साथ गया है, ग्राम सिंगोसा यादव कुल की बेटी को लेके भगा है, और ग्वालियर से इंदौर जा रहा है। अभी आप क्या, निखिल ग्वालियर में है, घर के आने की सोच रहे हैं, लड़की जिद कर रही है, लेकिन लड़का इंदौर की ओर जाना चाहता है, क्योंकि आपका यही लड़का निखिल पहले भी साक्षी को पहले भगा ले गया था, दूसरी बार फिर भगा ले गया। महाराज जाइए ना, हनुमान जी कृपा करेंगे, हनुमान जी पर आस्था रखो, और तुम्हारा काम पूरा होगा, आशीर्वाद है, जाओ भाग जाओ, ऐस करो। बोलो क्या पूछना चाहते हैं? घर में सुख है? कार्ड है क्या? घर में सुख शांति कौन सा? घर में कलेश रहता है, कलेश सुख शांति नहीं है। हाँ। हमने लिखा हिंदी आती है? हाँ, बिल्कुल। आप धीरे से बोला, ऐसा लग रहा कि कम पढ़े लिखे हो। घर में सुख शांति होगी, जादू टोना है, राम प्रकाश पितर, जीजा नाम रामचंद्र, कोरोना जीजा जी के ऊपर, रामचंद्र के ऊपर कोरोना में मरा भाई भूत रूप में खेल रहा है, सवारी के रूप में आ रहा है आपके बहनोई पे। बोलो हाँ है ना? बिल्कुल। क्या नाम है जीजा का आपके? रामचंद्र। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल। हनुमान जी कृपा से तुम्हारा भाई को चौकी दे दीजिए, स्थान दे दीजिए, वो एक अच्छा प्रेत बनेगा आने वाले भविष्य में, और घर की रक्षा करेगा, और जीवन में घर उससे खुशहाल रहेगा, हमारा आशीर्वाद है। उसको मुक्ति कराइए, या तो गया जाइए, प्रयागराज जाइए, तीर्थों में भ्रमण करिए, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ कराइए, ब्राह्मणों का भोज कराइए, साधु संतों को चरण धो लाइए, और तीर्थ में उसको स्नान कराइए। यदि आप गया जाते हैं, गया में स्नान कराते हैं, अपने प्रेतों पितरों को इत्यादियों को जल अर्पण करते हैं, भगवान विष्णु के चरण छूते हैं, तो 9 करोड़ तीर्थ आपके ऊपर कृपा करते हैं, हजारों हजारों तीर्थों में भ्रमण करने का फल गया में विष्णु चरण चिन्ह से प्राप्त होता है, फल्गु नदी से प्राप्त होता है, और आपको भगवान का स्वर्ग, भगवान का लोक, विष्णु लोक प्राप्त होता है, और आपका घर का भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा भाई प्रेत बना रहे, भूत बना रहे, तो आपकी जैसी इच्छा बैठा लेना, आशीर्वाद।